तो बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है कैपेसिटर। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और बहुत डिटेल में बात करेंगे। ये आपके बोर्ड के सिलेबस में भी है और जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे आईटी का एग्जाम, नीट का एग्जाम, उसमें भी ये आता है। हर साल एक दो सवाल आ जाते हैं। तो कैपेसिटर जो है वो बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, तीन तरह के कैपेसिटर होते हैं। पहला जो होता है पैरेलल प्लेट होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम अपना 90% से ज़्यादा समय इसी कैपेसिटर को पढ़ने में खर्च करेंगे। दूसरा जो कैपेसिटर होता है ये होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। हम लोग ये इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी डेफिनेशन और इनके फार्मूले और बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो सब तो करेंगे ही, वो तो अपना काम है ही। लेकिन इस वाले पैरेलल प्लेट पे हम रिसर्च करेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, तीसरा आ गया सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर ये तीन तरह के कैपेसिटर हम लोगों को पढ़ने हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, अब ये जो तीन टाइप के कैपेसिटर होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। फार्मूला, डेफिनेशन और भी जो भी डिटेल्स हैं उसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर बेसिकली होता क्या है? अगर आप देखें तो रियल लाइफ में भी कैपेसिटर को आप देख चुके होंगे, कई बार आपने देखा होगा। जैसे आप देखते हैं तो जैसे ये फैन है, यहाँ खैर फैन आपको दिख नहीं रहा होगा, बोर्ड दिख रहा होगा। तो जैसे फैन है तो कई बार फैन की मोटर खराब हो जाती है, तो आपके घर में मैकेनिक आता है फैन को रिपेयर करने, तो कहता है ना, अक्सर बोलता है कि फैन की स्पीड स्लो है, तो कहता है कंडेंसर खराब है। तो वो जो कंडेंसर बोलता है वो बेसिकली एक कैपेसिटर ही होता है, वो एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। कभी आप देखेंगे कंडेंसर तो एक सिलेंडर के शेप का होता है। कैपेसिटर का मेन जो इस्तेमाल होता है, बेसिक जो इस्तेमाल होता है, वो बेसिकली क्या होता है, एनर्जी स्टोर करना और चार्ज स्टोर करना, ये इसका मेन दो काम होता है। ठीक है, किसी भी सर्किट में। अच्छा, कैपेसिटर की अच्छी बात ये होती है कि इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है। जो भी एनर्जी आप कैपेसिटर को देंगे तो वो एनर्जी ये स्टोर कर लेता है। रजिस्टर जो होता है, रजिस्टेंस जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें क्या है कि आप उसको अगर करंट देंगे तो उसमें एनर्जी स्टोर नहीं होगी, एनर्जी का लॉस हो जाएगा, हीट पैदा होती है और एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो कैपेसिटर इस सेंस में बाकी एलिमेंट से सुपीरियर होता है कि इसके अंदर एनर्जी का लॉस नहीं होता है। अब ये जो कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो ये जो कैपेसिटर होता है इसके अंदर क्या होता है कि दो कोई भी रैंडम शेप के कंडक्टर ले सकते हैं आप। कोई भी दो रैंडम शेप के कंडक्टर ले लिया आपने, और ये जो रैंडम शेप के कंडक्टर लिए हैं इनमें आपने इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दे दिया, एक को क्यू दे दिया, एक को माइनस क्यू दे दिया। तो ये जो अरेंजमेंट है इसी को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर ये जो दो कंडक्टर्स होते हैं किसी भी शेप के हो सकते हैं। इसमें कोई शर्त नहीं है कि नहीं ये प्लेट भी होना चाहिए या सर्कल होना चाहिए या स्पीयर होना चाहिए। कोई भी दो रैंडम, कोई भी दो गिलास, कटोरी, चम्मच उठा के आप पास पास रख दोगे तो वो अरेंजमेंट जो है वो कैपेसिटर बन जाएगा। यानी कोई भी दो कंडक्टर्स अगर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो इस अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिख भी लेते हैं। इन्हें कैपेसिटर, इन्हें कैपेसिटर देर आर टू कंडक्टर्स, इन्हें कैपेसिटर देर आर टू कंडक्टर्स प्लेस डैट ए स्मॉल। स्मॉल होना कोई वैसे जरूरी नहीं है, मतलब दूर भी हो सकते हैं, आमतौर पे हम लोग स्मॉल का ही पढ़ते हैं, लेकिन स्मॉल होना जरूरी नहीं है। तो इन ए कैपेसिटर देर आर टू कंडक्टर्स प्लेस डेट सम सेपरेशन, सम सेपरेशन, कुछ दूरी पर ये होने चाहिए। ठीक है, एक कैपेसिटर में दो कंडक्टर्स हैं, कुछ दूरी पे रखे रहते हैं और हम लोग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दे देते हैं। एक को पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, एक को नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। तो इसमें ये बात भी इंपॉर्टेंट है, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर गिवन टू देम,
इनको इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हम दे सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो कंडक्टर है जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, इसको हम लोग पॉजिटिव प्लेट के नाम से जानते हैं। ये जो कंडक्टर है जिसको पॉजिटिव चार्ज दिया है, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्लेट, और जिसको नेगेटिव चार्ज दिया है, इसको नेगेटिव प्लेट कहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों प्लेट के शेप के हों, किसी भी ये स्फीयर हो सकता है, ये सिलेंडर हो सकता है, दोनों स्फीयर हो सकते हैं, दोनों सिलेंडर हो सकते हैं, एक प्लेट हो सकता है, एक सर्कल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी शेप है, लेकिन नाम इसका होता है पॉजिटिव प्लेट। ऐसा नहीं कि प्लेट के शेप का है, लेकिन इसका नाम है पॉजिटिव प्लेट। इसको हम लोग कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट कहते हैं। और ये वाला जो है शेप, इसका कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि प्लेट के शेप का हो, इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट, ये जो कैपेसिटर है ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये नेगेटिव प्लेट है। तो ये कैपेसिटर के बारे में, ये बेसिक बातें हैं कैपेसिटर के बारे में। तो जैसे इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट के नाम से जाना गया, ये नेगेटिव प्लेट के नाम से जाना गया। अब इसमें होता यह है कि जैसे ये वाला जो पॉजिटिव प्लेट है, इसका पोटेंशियल मैंने मान लिया वी प्लस है, इसके पोटेंशियल को मैंने वी प्लस मान लिया। वी प्लस का मतलब है पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट, वी प्लस इज पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट, इसके पोटेंशियल को मैंने V प्लस मान लिया। ये वाला जो है इसका पोटेंशियल मैंने V माइनस मान लिया। V माइनस का मतलब है पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट, पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट। जो V माइनस है ये नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल है, और V प्लस जो है ये पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल है। ये दो आपके पोटेंशियल हो गए। अब इसमें हम लोग इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V जो है वो पोटेंशियल का डिफरेंस है, और हम लोग V को ऐसे बोलेंगे V प्लस माइनस V माइनस। इन दोनों के जैसे मान लो ये 10 वोल्ट है, ये माइनस 10 वोल्ट है, तो जो डिफरेंस आएगा वो 10 माइनस माइनस 10 20 वोल्ट आ जाएगा। तो यहां पर हम V डिफाइन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का अंतर। V में लिख दे रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों प्लेटों के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, प्रयोगों से ऐसा देखा गया है कि पॉजिटिव प्लेट का चार्ज जो होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि पॉजिटिव प्लेट का जो चार्ज होता है ये प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। पॉजिटिव प्लेट का चार्ज प्लेटों के पोटेंशियल का जो अंतर होता है, यहां पर ये भी पोटेंशियल नहीं है, ध्यान रहे, ये देखेंगे ये दोनों का डिफरेंस है। तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज दोनों प्लेटों के जो पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी दोनों प्लेटों के पोटेंशियल का जो अंतर होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और ये जो कांस्टेंट होता है इसी कांस्टेंट का नाम है कैपेसिटेंस, इसका नाम है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, इसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं, या हिंदी में इसको हम संधारित्र कहते हैं, हिंदी में इसका जो नाम है वो संधारित्र है। तो मैं रिपीट करूंगा, पॉजिटिव प्लेट का जो चार्ज है वो दोनों प्लेटों के पोटेंशियल के अंतर के प्रोपोर्शनल होता है, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है, इस कॉन्स्टेंट को ही हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। ये बात जो क्यू प्रोपोर्शनलिटी हुई है इसको मैं लिख भी देता हूं, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्यों? V के प्रोपोर्शनल है, V पोटेंशियल नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, कई बार बोल चुका है, इसको समझिएगा, V पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल का अंतर है, दोनों प्लेटों के पोटेंशियल का जो अंतर है
वो वी है और क्यू पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है। देखा यह गया है कि क्यू वी के प्रोपोर्शनल होता है और जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है और इस कॉन्स्टेंट को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। ये जो कैपेसिटेंस होता है, ये जो कैपेसिटेंस सी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका जो यूनिट होता है वो यहां से आप देख सकते हैं कूलम्ब पर वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज जो है ये भी आपको समझनी है, सी इज ए स्केलर क्वांटिटी यूनिट ऑफ सी इज कूलम्ब पर वोल्ट एंड 1 कूलम्ब पर वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैरेड। 1 कूलम्ब पर वोल्ट जो होता है वो 1 फैरेड के बराबर होता है। तो सी एक स्केलर क्वांटिटी है और सी का जो यूनिट होता है वो कूलम्ब पर वोल्ट होता है। तो जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ये वी प्लस था, ये वी माइनस था, हमने ये देखा कि Q इज इक्वल टू हमने देखा था सी वी होता है, जहां सी कैपेसिटेंस होता है। इस कैपेसिटेंस के यूनिट के बारे में कुछ बात करनी है। कैपेसिटेंस का वैसे तो यूनिट देखिए फैरेड होता है, कूलम्ब पर वोल्ट, लेकिन वास्तव में फैरेड एक बहुत बड़ा नंबर होता है। मतलब किसी कोई रियल लाइफ में जो कैपेसिटर्स होते हैं उनका कैपेसिटेंस जो होता है फैरेड में नहीं होता, वो आपको माइक्रो फैरेड में, नैनो फैरेड में, पिको फैरेड में मिलेगा। मतलब 1 फैरेड बहुत बड़ा नंबर होता है, ऐसा यूनिट उसका जो है वो फैरेड है, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट उसका माइक्रो फैरेड है। आप किसी भी जैसे बुक में देखेंगे, अच्छी किताबों में, तो कैपेसिटेंस हमेशा आपको माइक्रो फैरेड या नैनो फैरेड में दिया रहेगा। वो अलग बात है कि क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फैरेड में ले लेते हैं कि कैलकुलेशन आसान हो, लेकिन जैसे आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, आगे चल के हम लोग धरती का, पूरी धरती का कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो पूरी धरती का जो कैपेसिटेंस आता है वो 711 माइक्रो फैरेड आता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी पूरी धरती जो है उसको कंडक्टर मान के और उसका कैपेसिटेंस निकाला जाए तो वो भी माइक्रो फैरेड में आ रहा है। तो जो गिलास, कटोरी, चम्मच और ये सब चीजें हैं उनका जो कैपेसिटेंस होगा वो तो बहुत कम होगा। तो इसकी एसआई यूनिट फैरेड होती है कैपेसिटेंस की, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट माइक्रो फैरेड है। प्रैक्टिकली माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड या पिको फैरेड में इसका मेजरमेंट किया जाता है। अब जैसे क्यू इज इक्वल टू सी वी आया था, तो ये सी जो है ये Q बाई V के बराबर होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि C ना तो Q पे डिपेंड करता है ना V पे डिपेंड करता है। जैसे इसको ऐसे समझें आप, Y प्रोपोर्शनल टू X आया था, तो Y बराबर हमने KX लिखा था, तो K जो था वो ना तो X पे डिपेंड किया था ना Y पे डिपेंड किया था, किसी पे भी K डिपेंड नहीं किया था, K तो कांस्टेंट है ना। उसी तरह से अगर Q प्रोपोर्शनल टू V आया था तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये तो Q या V पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इसके अंदर ये आपको समझना है कि C does not depends on Q or V। C जो है वो ना तो Q पे depend कर रहा है ना V पे depend कर रहा है। तो अब ये C depend किस पे करता है, तो C basically depend करता है प्लेटों की ज्योमेट्री पर। दोनों प्लेटें कैसे हैं, स्फेरिकल हैं, सर्कुलर हैं, किस तरह के ये दोनों कंडक्टर्स हैं, इनके बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करता है और सी की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है। तो सी क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता है। अब सी डिपेंड किस पे करता है, सी डिपेंड्स अपॉन डिपेंड करता किस पे है, तो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स। सी प्लेट्स की ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। सी प्लेट्स की ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा, प्लेट के सेपरेशन पर डिपेंड करेगा, और तीसरा इसके अंदर आता है मीडियम पर भी डिपेंड करता है। प्लेटों के बीच का मीडियम क्या है इस बात पे भी डिपेंड करता है, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। सी प्लेट्स की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, यानी ये तो दो प्लेटें कैसी, इनका शेप कैसा है, इनके बीच की दूरी कितनी है, पास है कि दूर है, इस पे डिपेंड, और इनके बीच मीडियम क्या है, मिट्टी का तेल भर दिया आपने, पानी डाल दिया, कोई भी मटीरियल मीडियम इनके बीच में कर दिया या मीडियम नहीं किया, तो ये सी जो है इन चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये सी एक स्केलर क्वांटिटी होती है।
अभी देखिए हम लोग कैपेसिटर की फिजिकल मीनिंग देखेंगे, फिजिकली कैपेसिटेंस का क्या मतलब होता है। मतलब ठीक है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई ई, ये तो गणित ने आपको बता दिया, फिजिकली इसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है ये हम समझते हैं। जैसे रियल लाइफ में आपने एक वर्ड सुना होगा कैपेसिटी, तो कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को कितना ज्यादा वो होल्ड कर सकता है। होल्ड करना कैपेसिटी जो है बेसिकली ये बताता है कि वो बॉडी की, जैसे एक हीट कैपेसिटी वर्ड आता है तो वहां हीट होल्ड करने की कैपेसिटी है। रियल लाइफ में भी कैपेसिटी होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होल्ड कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कैपेसिटी कम होती है। तो कैपेसिटी का मतलब थोड़ा फिजिकली इससे हट करके थोड़ा सा मैं मतलब समझाना चाह रहा हूं आपको। जैसे सपोज कीजिए कि ये दो मेरे पास कंटेनर है, एक ये कंटेनर है और एक ये कंटेनर है, ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए ये दो बर्तन जो हमारे पास हैं, उसमें ये वाला जो बर्तन है इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी कैपेसिटी कम है। तो अब इसका फिजिकली मतलब ये है कि अगर इन दोनों बर्तनों में मान लीजिए मैं एक एक लीटर पानी डालूं, तो एक एक लीटर पानी डालूंगा तो इस वाले बर्तन में जो लेवल होगा वो बहुत तेजी से राइज करेगा, पानी का लेवल बहुत तेज राइज करेगा, और ये वाला जो कंटेनर है इसके अंदर लेवल उतनी तेजी से राइज नहीं करेगा। तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है उसके अंदर लेवल धीरे 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 बढ़ रहा है, और जिसकी कैपेसिटी कम है उसके अंदर जो लेवल है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो कैपेसिटी का मतलब ये होता है ना, अब जैसे यहां पे हम देखें चार्ज देते हैं बॉडीज को, तो चार्ज देते हैं, तो चार्ज देते हैं, किसी भी बॉडी को चार्ज देंगे तो बढ़ेगा क्या, पोटेंशियल बढ़ेगा। तो अब इसके अंदर C इज इक्वल टू क्यू बाई वी जो है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो जिसकी कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका पोटेंशियल उतनी धीरे धीरे बढ़ेगा, और जिसकी कैपेसिटी सी की वैल्यू कम कर देंगे तो पोटेंशियल बहुत तेजी से बढ़ेगा। वही चीज यहां पर भी है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो इसमें पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसकी कैपेसिटी कम है तो इसमें पानी का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो कैपेसिटी वर्ड यही बताता है कि इनपुट देने पर जो आउटपुट आता है वो कितना फास्ट आता है। अगर इनपुट दिया गया और आउटपुट बहुत फास्ट आया तो इसका मतलब कैपेसिटी कम है, और अगर इनपुट देने पे आउटपुट बहुत धीरे 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 आ रहा है तो इसका मतलब कैपेसिटी ज्यादा है। जैसे इस चीज को जैसे पैसे के टर्म में भी आप लोग समझ सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत रुपया पैसा ज्ञान दौलत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उनको देख करके आप जजमेंट नहीं कर सकते, उनके पास रुपया ज्ञान और नॉलेज और बहुत सारी चीजें उनके पास आती जाएंगी, लेकिन उनको देख करके ऐसा नहीं लगेगा कि भाई उनके अंदर कोई ईगो आ रहा है या कोई चीज उनके अंदर बढ़ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत कम होता है, लेकिन जरा सा भी रहेगा तो वो चीज एकदम से रिफ्लेक्ट होने लगेगी। तो कैपेसिटी एक्चुअल में कैपेसिटी का जो फील है, यही चीज हीट कैपेसिटी में भी आएगा, यही चीज कैपेसिटेंस में भी आएगा, ये चीज कंटेनर की कैपेसिटी भी है, और यही चीज रियल लाइफ की भी कैपेसिटी है कि अगर आप इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट कैसा आ रहा है। अगर आउटपुट एकदम बहुत तेज आउटपुट आ रहा है इसका मतलब कैपेसिटी बहुत कम है, होल्ड करने की कैपेसिटी कम है, और अगर आप इनपुट देते जा रहे हैं यानी चार्ज देते जा रहे हैं पोटेंशियल बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि कैपेसिटी बहुत अधिक है, ठीक है। तो कम कैपेसिटी या ज्यादा कैपेसिटी, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज दे सकते हो आप उतनी ज्यादा कैपेसिटी है, पर वास्तव में किसी भी कंडक्टर को तो आप इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हो। थ्योरेटिकली आप किसी भी कंडक्टर को इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हो, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज। तो कैपेसिटेंस बेसिकली ये जो कैपेसिटेंस है ये चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, पहली बात तो ये समझ लें। कुछ लोग ये समझते हैं कि जितना ज्यादा आप चार्ज दे सकते हो उतनी ज्यादा कैपेसिटी, तो चार्ज तो आप थ्योरेटिकली इनफाइनाइट चार्ज किसी भी कंडक्टर को दे सकते हो, तो लेकिन कंडक्टर की हर कंडक्टर की कैपेसिटी इनफाइनाइट तो होती नहीं। तो बेसिकली कैपेसिटेंस क्या है कि आपने इनपुट दिया यानी चार्ज दिया, तो पोटेंशियल जितना तेजी से राइज करेगा कैपेसिटी उतनी कम होगी, और पोटेंशियल जितना तेजी से धीरे धीरे राइज करेगा कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो बेसिकली जो कैपेसिटेंस है वो ये बताता है कि हम अगर पोटेंशियल देंगे, चार्ज देंगे, तो पोटेंशियल कितनी तेजी से बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे भी हम लोग, कैपेसिटी टेल्स अबाउट द राइज इन पोटेंशियल कैपेसिटी टेल्स अबाउट द राइज इन पोटेंशियल व्हेन चार्ज इज गिवन higher is the rise in potential lower is the capacitance
कैपेसिटी यही बताती है, कैपेसिटी यही बताती है कि कैपेसिटी जितनी कम होगी पोटेंशियल उतनी तेजी से बढ़ेगा। मतलब आप इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट आपका बहुत फास्ट है तो कैपेसिटी ज्यादा है, और अगर आप इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट जो है आपका फास्ट नहीं है तो कैपेसिटी कम है।